सत श्री अकाल। गुरु नानक देव प्रकाश दिवस की आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नानक बाबा जी ने गुरु नानक देव, नानक शाह फकीर और हिंदुओं का गुरु, मुसलमानों का पीर भी कहा गया, ने करीब 500 साल पहले उदासियां क्योंकि पैदल बिना किसी साधन के सुविधा के करतल भिक्षा तरुतल बास करते हुए उस समय के परिचित प्राय सभी देशों पूरी दुनिया को क्यों मथा। 28 साल की उम्र में जब वह पहली और सबसे लंबी 12 साल की धर्म प्रचार या धन कल्याण यात्रा में निकले तो संत गुरु के रूप में उनकी अच्छी खासी प्रसिद्धि हो चुकी थी। सुल्तानपुर लोधी में उनकी धर्मशाला बन चुकी थी और नियमित संगत कीर्तन का क्रम शुरू हो चुका था। वह वहीं आरामदायक जीवन बिताते हुए अपनी कीर्ति का प्रकाश फैला सकते थे। उनके पहले और बाद में भी तो किसी ने ऐसी सुदीर्घ यात्राएं नहीं की। बाबा कबीर काशी मगहर तक रहे, गौतम बुद्ध भी एक सीमित दायरे में प्रवास करते रहे, शंकराचार्य और दयानंद सरस्वती ने भी भारत की सीमाएं पार नहीं की, फिर नानक क्यों चले। जवाब तुलसीदास के कथन में है, नानक जन्मना संत थे। उनका दुख बड़ा था और उद्देश्य भी लोक का दुख और लोक का कल्याण करना उनका उद्देश्य था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको दर्जा प्राप्त हो चुका था इस संसार के गुरु का। लोक कल्याण का संदेश देने संसार की यात्रा पर निकले थे गुरु नानक देव जी। आज गुरु का दर्जा हर मजहब में, हर समाज में सर्वोपरि और सबसे उच्च स्थान पर माना जाता है। हमें गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और सीखना चाहिए कि संत गुरु पीर फकीरों का क्या योगदान है हमारे इस देश, समाज और हमारे भविष्य के लिए। आज की इस स्पेशल विशेष वीडियो में आप सभी को पुनः गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अनुदेशक न्यूज़ से अधिकतर गुरुजनों का संबंध है, वो हमेशा अनुदेशक न्यूज़ की हर रिपोर्ट को देखते हैं, सुनते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे। साथ ही अगर पसंद आए तो आप अपने विचार, अपने मत अवश्य रखें। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप समस्त राष्ट्र निर्माता, आप समस्त गुरुजनों को आपका हर वो सम्मान मिले जिसके आप हकदार हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी और अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।